बारिश का मौसम है, घरों में बैठे हुए निकलना नहीं हो रहा, बारिश निकलना नहीं हो रहा। अल्हम्दुलिल्लाह बारिश की जबरदस्त किट भी बनी अभी। और क्या चल रहा है, बिजी है भाई जॉब पे? जॉब कर रहा खाली मेहनत करने वाले लोग हैं भाई, आप सोने वाले लोग हैं, सो के सोना कमा रहे भाई, बहुत पड़े हुए हैं। अच्छा माशाल्लाह, न्यूज पेपर सो सो के थक जा रहे हो पलंग पे। अल्हम्दुलिल्लाह 12 अगस्त जो है इंटरनेशनल यूथ डे है, 12 अगस्त की। तो हमारे एक भाई है वो बोलते रहते अरे कितने दिन आ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, चॉकलेट आइसक्रीम डे, लेकिन हाँ अब तो यूथ डे भी आ गया, अपन यूथ केयर पे है तो बोले कुछ इस पे एक्टिविटी। हाँ इंटरनेशनल यूथ डे है, बल्कि मेरे को भी नहीं मालूम था एक्चुअली 12 अगस्त को, तो उन्होंने बोले कुछ एक्टिविटी रखो अब, लेकिन बारिश ऐसा हो रही है कहीं ट्रिप पे जाना फुटबॉल होगा मुश्किल है, हैदराबादी बैठक थोड़ा हंगामा कर दी थी, छोटी बैठक बोल के थोड़ा डबल हंगामा। तो छोटी बैठक का ये था कि नौजवानों के वास्ते एक दिन है, ऐसे कई दिन आते हैं माशाल्लाह, कमेंट्स में साहब अपने को दिए थे कमेंट कि सबसे इम्पोर्टेंट डे जो है ना वो जजमेंट डे है। इतने दिन के तो मदर्स डे फादर्स डे सब आने, लेकिन असल एक इंसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट डे जजमेंट डे रहता हूँ, वो दिन कयामत का दिन कैसे होना की और कैसा मंजर रहेगा। तो बहरहाल ये जो दिन है ये एक दिन के वास्ते नहीं है, लोग मदर्स डे बोले तो माँ के स्टेटस आधार लिए ऐसा नहीं रहता, जिंदगी भर माँ की खिदमत। तो अब यूथ का जो है आप जैसा बोले मदर्स डे एक दिन का आ जाता, फादर्स डे एक दिन का आ गया, अल्लाह सुभान व तआला तो बोले इस्लाम में तो हर चीज की तालीम दी अल्लाह तआला, अल्लाह तआला बोले या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ्फा, इस्लाम में पूरी तरह से दाखिल हो जाए। रोज का इडली खाना, रोज का एक दिन है ना, लाइफस्टाइल है अपना। हां अल्हम्दुलिल्लाह बस खलास, और वो भी एक एक दिन का सने आखिरत तक मरे दम तक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो है इंटरनेशनल यूथ डे मना रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं, कुछ अच्छे काम करते होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम देखो नौजवानों की तरबियत के लिए क्या क्या अच्छी चीजें सिखाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा नौजवान थे, उनको किस तरीके से अच्छे अंदाज से ऐ मेरे बेटे या बुनई या गुलाम ऐसे अल्फाज देते हैं। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा को जो है कंधे पे रख के बोल रहे हैं कि ऐसे रहो दुनिया में जैसे मुसाफिर, खुशकिस्मत नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंधे पे हाथ रख रहे हैं। क्या बोले आजकल यही प्रॉब्लम है नौजवानों में, यही प्रॉब्लम है यार, अल्लाह सुभान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले जिंदगी ऐसे गुजारो जैसे कि मुसाफिर हो। नौजवानों के अंदर क्या आ जा रहा, मुसाफिर की तरह नहीं, ये चेक दुनियावी जिंदगी जो है धोखे का सामान है, ये सिर्फ यूथ के साथ नहीं है सोल भाई, ये मसला जो है ये पूरी अपने मेंटालिटी ऐसी है कि अपने को यहीं रहना है, हालांकि ये वक्ती है। तो अब देखो आप यहाँ से अपन कहीं सफर करके जा रहे हैं तो रस्ते में रुकते, अपन रुकने के बाद क्या करते, अक्सर आपको हाईवे पे टॉयलेट्स वगैरह साफ नहीं मिलते भाई, वॉशरूम्स वगैरह, और चाय खाना भी अच्छा नहीं मिलता, जैसा मिली खा के पी के मुख्तसर के पहुंच लेते निबड़ जाते, नहीं तो सफर खराब कर लेते, गुजार के कॉम्प्रोमाइज करके गुजार के निकल जाते क्योंकि डेस्टिनेशन पे जाना है। वैसी दुनिया है, यहाँ पे आते प्रॉब्लम्स। अच्छा उसमें भी दो किस्म के लोग हैं, एक तकलीफ उठा के ऑट लेते, एक क्या करते उसमें एंजॉय कर लेते उसमें भी, अरे दूसरे दिन मालूम ही रहता नहीं बोला देख लेते, वो जो है जो सिचुएशन था उसको भी अच्छे अंदाज से टैग वो कर लेते हैं, चाय का भी मजा ले लेते हैं, अच्छी बात कर लेते हैं, इबादत कर लेते हैं सफर में। तो वैसी मुसाफिर की जिंदगी है, सही है लोग क्या कर रहे हैं अब जिधर भी जा रहे हैं छोटी छोटी बात को स्नैप 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 स्नैपचैट ट्रेंडिंग पे आ गए भाई अब लोग, ज्यादा लोग मैं देख रहा हूँ ऑब्जर्व कर रहा हूँ ट्रेंडिंग, एक जना कर दी इतनी भयानक तरीके से कॉपी कर रही है ट्रेंडिंग में चल रहा पुराना। अच्छा ये अच्छी चीजों में क्यों नहीं हो रहा, एक आदमी नमाज पढ़ा दाढ़ी छोड़ रहा वो भी ट्रेंड होना फिर? मैं भी इस पे बोल रहा था। अच्छा एक आइडियल बना लिया भाई अपन नौजवान है, किसको की बना लिया आइडियल, अपने को अल्लाह सुभान व तआला बोल रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उसका हसना है बेस्ट एग्जांपल है, अपन किसके के पीछे भाग रहे भाई कौन की? ये नौजवानों को एक्चुअली जो है सही गाइडेंस जैसा मिलना चाहिए, अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोग दाई भी है उसमें उलेमा भी है, नौजवानों के ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स आजकल आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नौजवानों को नहीं मिल रहा,
तो ये लोग को प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह अपन यूथ केयर का काम स्टार्ट से काफी एक्टिविटीज हुए, तो अभी आप लोग भी देख रहे होंगे, आप लोग के हिसाब से क्या चल रहा है अभी माहौल में यूथ के माहौल में, क्या नोटिस करें? कॉलेज भी जा रहे हैं आप, मुखफम जा रहे हैं, आखिर में नौजवानों का गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी है भाई। एक तो दीनी गाइडेंस मिलना तो आखिरी बहुत जरूरी है, माहौल उन्होंने के पास है नहीं दीनी। अब कोई भी दीनी दीनी बच्चा या दीनी कोई भी फिकर दीनी फिकर दीनी फिकर वाला दीनी फिकर के बात करे तो चिढ़ जाता उन्हें, अरे ये क्या बात कर रहे हैं, डिफेंसिव हो जाता, अरे नक्को भाई, अरे गीबत करने वाले बच्चे गीबत निकले थे, अरे भाई ने बोलेंगे रे भाई, ये माइंडसेट बन गया ऐसा, दोस्तां भी रहते हैं। अब लोगों को मजा उसमें आता ना भाई, तो इसमें के गुआएंगे ना, अब अपन समझाए तो अपने को अगर सुनना है तो सुनता, ये कहाँ से सुन के ये कहाँ से निकाल देता। असल मुद्दा ये है भाई, सुना नहीं सुना देने वाला अपना काम है बोलना, अपना काम है बोलना, मगर फिक्र ये रहती है सुन रहे नहीं अमल नहीं कर रहे, एक सुन के खाली अंजान मार दे रहे, क्या होता है उन लोगों का, वो फिकर है खाली। सही, आप जॉब पे जा रहे हैं क्या, कैसा क्या देख रहे हैं नौजवान बच्चे, जॉब्स कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या चल रहा है आजकल मार्केट में? नौजवान बच्चे तो नहीं दिख रहे ज्यादा, जॉब्स नहीं कर रहे, नहीं दिख रहे, कर रहे भी तो यानी कंसिस्टेंसी से एक जॉब नहीं कर रहे, छोड़ पकड़ इधर 15 दिन उधर 1 महीना। मैं भी ऐसी दूसरे जॉब कर ले रहा था, मतलब एकदम कुछ भी कर ले रहा था, जो मिला कर लो, इंटरव्यू देने गया भाई, उन्होंने समझाए क्या है यार, वो इज्जत है नहीं है, कुछ भी नहीं है इज्जत, जो लोग गालियां देते टाइम पे नहीं पहुंचो, ऑर्डर नहीं टाइम पे पहुंचा गालियां दे देते, क्या है इज्जत उसमें, बोल के समझाए मेरे को। अभी यही बात हो रही थी अपने आप आने से पहले शेख फैसल और हम लोग बात कर रहे थे कि जॉब्स जो है नौजवानों को, मैं यही बोलता हूँ कि आप जॉब जो है सिर्फ कमाने के वास्ते ये जो है ना मत करो, यानी ये जॉब गलत नहीं है डिलीवरी बॉय का या कोई भी रैपिडो वगैरह का करें, लेकिन आप इससे कोई चीज सीखते नहीं, आप खाली जा रहे हैं कमा रहे हैं पैसे आ रहे हैं 8-10-15 हज़ार, आप ऐसा जॉब करो जिसमें आपको कोई हुनर सीखे, आप लाइफ में जो ना उसको यूज कर सके, आप खाली एक डिलीवरी बॉय बने तो आप क्या सीखते हैं उसमें, कोई भी चीज नहीं सीखते। सेल्स का जॉब करें तो कम से कम कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे होते हैं, कैसा सेल्स टैक्टिक्स आते, डर निकलता बस, यानी आप जॉब ऐसा करो जिसमें कोई हुनर है, बस खाली कमाने करना है तो बहुत सारी चीजें हैं कमाने की, तो कोई चीज सीखना ऐसा। और यूथ केयर के फ्यूचर एक्टिविटीज के बारे में क्या है, कुछ प्लान्स थे शायद वो भी? हाँ, प्लान्स एक्चुअली अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से काफी वेल ऑफ और बड़े लोगों से, जिम्मेदार लोगों से सिटी के मीटिंग्स और बातचीत हो रही, वाले सब भी बात किए, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं इंशाल्लाह ताला, नौजवानों के सिटी में कैसा काम करना है, क्या हो सकता, और नौजवानों को किस तरीके से अपने नजदीक करके उन लोगों के इश्यूज के ऊपर बात करके उनको निकाला जाए, सॉल्यूशंस दी जाए इंशाल्लाह, तो ये बहुत बड़ा वो है। और एक इंशाल्लाह ताला ऐसी डिस्कशन, रैंडम डिस्कशन चल रहा था अभी आप लोग आने से पहले, एक बहुत सारे हैदराबाद में हो कहीं भी हो बच्चे जो है ना पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है, जॉब्स नहीं कर रहे, मैं जब देख रहा हूँ तो वो लोग बिल्कुल भी कोई गोल नहीं है ना एम है, बस चल रही लाइफ, माँ बाप खिला रहे हैं, बहुत भाई कुछ भी नहीं है, बस आराम से बाप बाहर है तो भेज रहा है, सो रहे हैं आराम से 2 बजे तक फिर खत्म हो जा रहा, तो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं। तो ऐसे बच्चों के लिए हमारी एक दिली ख्वाहिश है, इसको कैसा ये इंप्लीमेंट कर सकते हैं मालूम, अपन यूथ केयर के एक यूथ केयर एकेडमी ऐसा कुछ रहना जिसमें 3 घंटे के रोज जो है ना एक एकेडमी कॉलेज इंस्टीट्यूट कैसा रहना, उसमें 5 सब्जेक्ट्स रहना, ठीक है 5 सब्जेक्ट्स रहना, एक है कि आप 2-3 साल का कोर्स रहेंगे, वो बच्चे जो बिल्कुल 10th हो या 10th फेल रहने, कुछ भी है क्राइटेरिया नहीं है 10th पास होना, कुछ भी रह सकता। तो इसमें यह है कि इंग्लिश जो है स्पोकन इंग्लिश, बच्चा आपके पास आके पढ़ने लग गया तो 2-3 साल में उन्हें फैंटास्टिक इंग्लिश बोलना एकदम जबरदस्त, इंग्लिश के ऊपर माहिर हो जाना। सेकंड अरबिक लैंग्वेज, ग्रामर प्रॉपर फुसाह जो कुरान और हदीस के है, उसके लिए एक बहुत प्रॉपर आलिम को रख के 3 साल अरबिक सिखाया जाए तो उन्हें कुरान और हदीस को अरबी में पढ़ के समझ सके, ये 2 सब्जेक्ट्स हो गए। तीसरा सब्जेक्ट, दुनिया में प्रैक्टिकली हो रहा क्या, यानी ऐसा एक सब्जेक्ट रखना कि क्या चीज चल रही दुनिया में, आपकी सिटी में, आपकी कंट्री में, दुनिया में, करंट अफेयर्स सब्जेक्ट। चौथा सब्जेक्ट ये है कि दीनियात बेसिक, उसको जो है ना एक 3 साल का एक छोटा आलिम कोर्स के जैसा वो। अब पांचवी चीज जो है हुनर सिखाया जाए, क्लासेस ऐसा नहीं कॉमर्स इकोनॉमिक्स सिविक्स नहीं,
हुनर, अगर से उसको जो है मैकेनिक है उन्हें उसका दिमाग वैसा चलता तो प्रैक्टिकली मैकेनिक के पास लेके आके एक टीचर के पास रख के उसको गाड़ी बनाना सिखाना, कोई टेलरिंग सीखना चाह रहा टेलर, और कोई इंशाल्लाह ताला कोई भी चीज़ हुनर, तो ये एक क्लास, तो पाँच क्लासेस है इससे कुछ रखे, तीन साल का कोर्स रखे ऐसा अकेडमी, एक बहुत क्या बोलते हैं सोसाइटी, तो धुंधला धुंधला ड्रीम है, तो इंशाल्लाह मगर करना चाहिए, क्योंकि आप खाली यूथ डे है, यूथ केयर है अपन कर रहे हैं, कुछ ऐसा काम करके इंशाल्लाह अपन मर जाना कि ये काम चले और अपने को सवाब भी जारी मिलते रहे, क्योंकि मैं आप लोगों को बोला था, मैं जो है अजहर भाई मेरी फैमिली के साथ बैठा था बाहर खाना खा रहा था, तो एक कॉल आया, एक लेडी का कॉल आया, तो मैं बोला सॉरी मैं बात नहीं करता, तो सिस्टर्स ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप वहाँ पर जाइए, बोले नहीं नहीं बेटा आप सुनिए बात, बोले मेरा 25 साल का बेटा है, मैं अकेले रहती हूँ बेटे के साथ, और उन्हें ना नमाज पढ़ता ना मेरी फिक्र, शायद उनके हस्बैंड साथ रहते या नहीं, नहीं बोले तो अकेले, बोले 25 साल का है सिर्फ गांजा पीता, बस पैसे लेता गांजा पीता, घर में पूरा टोटल हुए, उन्होंने रिक्वेस्ट रोने पे आ गए, बोले बस मेरे बच्चे को सुधार दो, यानी क्या चीज़ से गुजर रहे हैं, कुछ काम नहीं बस लाठोरी कर रहा है, गांजा सिगरेट जैसा आप बोल रहे हैं, सिगरेट का कैसा बोल रहे हैं, कॉमन ही अगर मैं काउंसलिंग की बात करूं और आप लोग जो देखे यूथ केयर में अपन चीजें, तो इतनी चीजें अपन अभी इसमें कितना की टाइम चल जाता, अपनी छोटी बैठक जाके बड़ी बैठक हो जाती है, ऐसा टॉपिक है बात ही करना नहीं चाह रहे, कोई नहीं करना चाह रहे सीरियसली, मैं जब बात करा तो लोगों को ना दंग हो गए, भाई ऐसा भी हो रहा, यानी वो ऐप के बारे में भी उस दिन बात हुई थी, सो गे ऐप है ढूंढ रहे हैं, कितनी खतरनाक बातें हैं, अल्लाह रहम करे, अब इंशाल्लाह ताला अपन ये जो है यहाँ पर इसको रोक के आगे क्या क्या प्लान्स है अपन उसको कैसा वो करेंगे, हैदराबादी बैठक यहाँ पे भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ भी कर लेंगे पॉडकास्ट, सही है हाँ, जरा बैठ के यहिया को मंदी खिला के और घावा आपको क्या होना हंगामा मचा देंगे फिर, और दूध का घावा इंशाल्लाह ताला, अरे वो क्या है वॉलीबॉल खेल रहे थे आप फाइनल में, स्टेटस पे क्या था वो गब्बर बोल के बताते रहते जमाने के बाद वो खेतों में गया, तबीयत ताजा हो गई, अच्छा आप समझ को भाई बहुत खुश हो गया, वो खुशी में क्या क्या कर लो समझ, एक ट्रिप जाना चाहेंगे गांव की कोई मस्जिद देख के, एक दो तीन दिन की ट्रिप जाएंगे इंशाल्लाह ताला, हाँ अपने नौजवानों को भी इंशाल्लाह ताला, चलो अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटी बैठक अपना जो था 10-12 मिनट का वो कर दिए, तो इंटरनेशनल यूथ डे और ऐसे दिन आने से कुछ होता नहीं, प्रैक्टिकली कुछ ऐसा काम करना यूथ के लिए जो उनको फायदा दे लाइफ में, अपन मर भी गए तो ये काम वो लोग उस पे चलते हुए ऐसा काम करके जाना इंशाल्लाह, ताकि वो नौजवान चलते रहे, माँ बाप को भी सुकून मिले इंशाल्लाह, तो आप इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मुलाकात मंदी पे है, अब तो जॉब कर रहे हैं भाई, निकाह विकाह कर दे सकते, अब आपके घर वाले देख रहे होंगे तो आप बोले निकाह बोलते कितना मुस्कुराते थे वो, चलो फिर ठीक है इंशाल्लाह यहाँ राउंड अप करेंगे अपन छोटी बैठक, कभी कभी ऐसा भी कर लेंगे छोटी बैठक, ठीक है चलो फिर सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका।